आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। राम भक्त ने मंदिर निर्माण के लिए 51,000 की राशि देकर बिस्तान का नाम कर दिया रोशन। बिस्तान नवनिर्मित नगर परिषद के निवासी सीमेंट सरिया के कारोबारी तरुण गुप्ता ने अपने परिवार की उपस्थिति में अयोध्या में हो रहे राम जी के मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से 51,000 की राशि दान कर अपने प्रतिष्ठान में दी। संघ मकर संक्रांति से अभियान की शुरुआत की। करीब सवा माह से संघ की टीम अंचल में अपना समय देकर राम काज करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। संघ के अनुसार एक भी व्यक्ति और एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, इसी लक्ष्य पर काम करना है। हर घर से कम एक ईंट लगना ही चाहिए, इसके बाद दान देने की कोई सीमा नहीं। रामलला के मंदिर निर्माण में बिस्तान से भी एक समान सम्मानजनक राशि जा सके, ये प्रयास किया जा रहा है। टीम द्वारा अपने स्वयं के साधनों से आसपास के गांवों का सघन दौरा कर घर घर संपर्क कर कड़ी मेहनत की जा रही है। हर घर छोटी छोटी दुकानों से कुछ न कुछ सहयोग निधि राशि जुटाकर सीधे राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के खातों में जमा की जा रही है। बिस्तान मंडल और संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया, अब तक बिस्तान क्षेत्र की सबसे बड़ी राशि श्री गुप्ता द्वारा दी गई। तरुण गुप्ता भी मध्यम परिवार से आते हैं और बड़ी राशि दान कर दी, ये सौभाग्य की बात है। संघ द्वारा राशि जुटाने का अंतिम कार्य का समापन 27 फरवरी तक ही किया जाएगा। कोई दानदाता बाद में राशि देना चाहे तो सीधे ट्रस्ट में बैंक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस अभियान में अखिलेश वर्मा, सर हजारीलाल बघेल, यश गुप्ता, नारायण राठौड़, अमर सिंह वास्कले, जगदीश चारण, सर तिलोक जी पाटिल, दिनेश सोलंकी, सर मानक पाटिल, रमेश कानून को, विक्रम राठौर, मुकेश मंत्री राठौर, राजेश मालवी राम भक्त के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। बिस्तान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट।